नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम बात करेंगे कि जब हम फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, यूपीआई से जब पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो हमारे पैसे कटते हैं या नहीं। जी हाँ, मेरा नाम है साक्षी सिंह और आप सब दोस्तों से निवेदन है कि आप इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें, और कुछ भी ऐसी कमेंट है तो आप हमें लिख के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ, तो अब हम बात करते हैं कि जब हम यूपीआई, पेटीएम या फ़ोनपे या किसी के अकाउंट में या किसी को पैसे जब ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या हमारे पैसे कटते हैं, क्योंकि कुछ दिनों से ऐसी अफवाहें उड़ी हुई है कि पैसे जब हम किसी को ट्रांसफ़र करते हैं तो हमारे पैसे कटते हैं, जिसके कारण से सारे कस्टमर और सारे लोग पैसे ट्रांसफ़र करना ही बंद कर दिए हैं और पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर रहे ताकि हमारे पैसे कट ना जाए। परसेंटेज लग रहे हैं, टैक्स लग रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और जब हम किसी को ट्रांसफ़र पैसे करते हैं या यूपीआई, पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, तो हमें किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देनी होती है, किसी प्रकार के हमें पैसे नहीं लगते हैं। और ये जो भी अफवाहें हैं ये सब झूठी है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि गवर्नमेंट ऐसा कोई भी नियम नहीं लगाया है और कुछ भी ऐसा लागू नहीं किया है कि हम जब पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो हमारे पैसे कटना ज़रूरी है या कट रहा है। क्योंकि मैंने इस पे बहुत सर्च करने के बाद और बहुत जानने के बाद मैंने यह वीडियो बना रही हूँ और आप लोग के बीच में ला रही हूँ ताकि आप देखें और अपने अंदर का जो डर है उसे ख़त्म करें। जी हाँ, तो जब हम अगर अपने यूपीआई से किसी को ट्रांसफ़र करते हैं तो हमारा कोई पैसे कुछ नहीं कटते हैं, कोई टैक्स हमें नहीं भरने पड़ते हैं, नहीं करते हैं। एंड हम आपको बता दें कि जब हमारे जो वॉलेट में, पेटीएम के वॉलेट में हमारे पैसे होते हैं, जो आते हैं या जो हम वॉलेट में जमा करते हैं पैसे, तो जो हमें भेजता है उसके पैसे बिल्कुल नहीं कटते हैं, जो हम जब हम भेजते हैं तो भी हमारे पैसे नहीं कटते हैं। ये वॉलेट की उसकी पैसे कटती है जिसकी वॉलेट कंपनी की, वॉलेट जैसे पेटीएम की कंपनी, वॉलेट की कंपनियां होती है, उनकी पैसे 1.1 की परसेंटेज टैक्स लगती है, जो कि हमारी नहीं, और आप भेजते हैं वो पैसे आपको नहीं लगती है। गवर्नमेंट को इससे कोई फ़ायदा नहीं है और कोई टैक्स गवर्नमेंट कस्टमर से नहीं ले रहा है। आप बेफिक्र होकर अपनी लेन देन जारी रखें और अपने यूपीआई के जरिए, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम के जरिए आप लेन देन जो करते हैं वो करते रहें, ताकि क्योंकि आपकी कोई पैसे, कोई परसेंटेज नहीं कट रहे हैं। इस चीज़ को आप माइंड में नहीं रखें और माइंड से निकाल दें कि हमारे पैसे कट रहे हैं या किसी अफवाह फैलाई गई अफवाह के ऊपर ध्यान ना दें और अपना लेन देन जारी रखें। और हमारी वीडियो अच्छी लगी या किसी मैटर पर अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार फिर से कहती हूँ, जय माता दी।